वसीम, देखो देखो, वो आदमी पानी की टंकी पर क्या कर रहा है? नूर, ये शायद लाइटिंग कंडक्टर है। लाइटिंग कंडक्टर? ये भला लाइटिंग कंडक्टर का क्या मतलब है वसीम? लाइटिंग कंडक्टर का मतलब है बिजली का कंडक्टर डिवाइस। आप बहुत भोले हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ये लाइटिंग कंडक्टर क्या है और इसे इतना ऊंचाई पर क्यों लगाया जा रहा है जहां कोई इसे छू नहीं सकता और ना ही इसे ठीक से देख सकता है। नूर, इसे देखने या छूने के लिए नहीं बल्कि लोगों को तबाही से बचाने के लिए लगाया जा रहा है। तबाही से बचने के लिए? अब तबाही का क्या मतलब हुआ? पानी की टैंक पर क्या तबाही आती है? हंसने की कोई बात नहीं है नूर, तबाही कहीं भी और कभी भी आ सकती है। वसीम, आपको क्या हो गया है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या तबाही के करीब कोई जादुई मक्खी है जिस पर बैठकर वो किसी भी वक्त और कहीं भी आ सकती है? मुझे आपसे बात नहीं करनी है नूर, आपको हर चीज मजे का खेज लगती है। अजी वसीम, आप तो बुरा मान गए। बुरा मानने वाली बात ही है ना नूर, तबाही कोई हंसी मजाक का मौजू थोड़ी है, ये एक बहुत ही संजीदा मौजू है। अच्छा, तो ये बात है, मुझे माफ कर दो वसीम। हाँ हाँ ठीक है, माफ कर दिया। लेकिन अब आप ही बताओ कि आफत का क्या मतलब है? ठीक है नूर, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप मुझसे वादा करें कि आज आप मुझे जलेबी खिलाएंगी। हाँ हाँ ठीक है बाबा, ठीक है, जलेबी खिलाऊंगी। अब बताओ आफत का क्या मतलब है? हाँ मैं बताता हूँ, गौर से सुनो। जम्मू कश्मीर के अलग अलग ज्योग्राफियाई खसूसियात हैं। जैसे मैदान तलहटी पेर पंजाल के सिलसिले, वादी कश्मीर और अजीम हिमालया, मुख्तलिफ किस्म के ज्योग्राफी हालात का मतलब मुख्तलिफ खतरात और आफात है। अगर देखा जाए तो आफात हमेशा फितरत, टेक्नोलॉजी और दीगर जानदारों के साथ इंसानी तआमुल का नतीजा रही है। कभी गैर मतवक्के, अचानक, कभी सुस्त और मदहम, तरह तरह की आफात हमारे तर्ज जिंदगी को मुतासिर करती रहती है।
आफाती इंतजाम को समझने के लिए आफाती प्रोसेस, होने वाले खतरात और डिजास्टर के तसव्वुरात को समझना जरूरी है। आफात एक वाकया या वाकयात का एक सिलसिला है जिसमें जान व माल, बुनियादी ढांचा, ज़रूरी खिदमात या ज़रिए माश वगैरह का नुकसान होता है। इसलिए जब भी कोई आफात आती है तो अपने साथ बड़ी तबाही का इम्कान लेकर आती है। आसान अल्फाज में आफात का मतलब कुदरती या इंसानी साख्त वजूहात की वजह से होने वाले हादसा या वाकया है जिसके नतीजे में जान और माल और माहौलियात को काफी नुकसान पहुंचता है। आफाती इंतजाम को समझने के लिए जरूरी है कि हम रिस्क, खतरे और कमजोरी वगैरह को समझें। आइए इसे तफसील से समझते हैं। रिस्क, रस्क एक मखसूस वक्त के दौरान किसी खास इलाके में होने वाले किसी खास पैमाने के तबाह कुन वाकई की वजह से मुतवक्के नुकसान का एक पैमाना है। खतरा एक कुदरती या इंसानी साख्त वाकया है जो जिस्मानी नुकसान, माशी नुकसान और इंसानी जिंदगी को खतरे में डाल सकता है या उसमें अशिया, इमारतों और माहौल को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत है। इस तरह के वाकयात एक साथ या मुख्तलिफ अवकात में मुख्तलिफ मकामात को मुतासिर कर सकती है। धमकियों की शिद्दत और शिद्दत के मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। खतरे की पैमाइश और उसके नौइयत, मकाम और हुदूद, दायरा कार और शिद्दत और उसके इम्कानात, दौरानिया और वकूअ पज़ीर होने की तादाद से किया जाता है। कमजोरी, जम्मू कश्मीर कुदरती आफात जैसे सैलाब, लैंडस्लाइडिंग, जलजले, ऊंचाई पर सर्दी की लहर, मैदानी इलाकों में गर्मी की लहर वगैरह का सबसे ज्यादा खतरा है। कमजोरी का तजिया मुख्तलिफ खतरात से अफराद और इमलाक का मुमकिना खतरे की सतह की समझ होती है। आफत ने तो बहुत नुकसान पहुंचाया होगा ना वसीम, आफत तो तबाहकुन है। हाँ नूर, तबाही सिर्फ अवामी जिंदगी और माहौल के लिए तबाहकुन है, उससे बड़ी तबाही भी होती है। तो क्या कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता कि आफत ना आए? नहीं, आफत होने से या हादसात को होने से मुकम्मल तौर पर नहीं रोका जा सकता, लेकिन मुनासिब इंतजाम के जरिए उसके असरात से काफी हद तक बचा जा सकता है, उससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। नूर, आपका क्या मतलब है मुनासिब तैयारी से वसीम? मुनासिब तैयारी से मेरा मतलब है आफती इंतजाम। आपके कहने का मतलब ये तो नहीं है कि पानी की टंकी पर जो लाइटिंग कंडक्टर लगाया जा रहा है वो आफती इंतजाम का हिस्सा है? अब आप कुछ समझदारी की बात कर रही हो नूर, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि लाइटिंग कंडक्टर जो लग रहा है वो डिजास्टर मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा है।
अच्छा मुझे ये बताओ तो कि डिजास्टर मैनेजमेंट खतरा को कम करने का अमल कैसे है? हाँ हाँ बताता हूँ, गौर से सुनो। आफात की रोकथाम। डिजास्टर मैनेजमेंट खतरात को कम करने का अमल है। रवायती तौर पर डिजास्टर मैनेजमेंट से मुराद इकदामात है जो आफात से मुतासिर इलाकों को जल्द अज जल्द मुअस्सर राहत फराहम करने के लिए किए गए हैं। हालांकि जदीद दौर में डिजास्टर मैनेजमेंट आफात से मुतासिर इलाकों में आफात को रोकने के लिए पहले से मंसूबा बंद मुअस्सर इकदामात पर तवज्जो मरकूज करता है। इस तरह डिजास्टर मैनेजमेंट को पॉलिसी और इंतजामी फैसलों और काबिल अमल सरगर्मियों के एक सेट के तौर पर बयान किया जा सकता है जो हर सतह पर आफात के मुख्तलिफ मराहिल से मुतालिक है। आइए एक बार आफात के जुमरे को समझ लें। खतरात की अकसाम। पानी और आबो हवा से मुतालिक आफात, अर्जियाती तौर पर मुतालिक आफात, कीमियाई सनाती और जौहरी से मुतालिक आफात, हादसाती आफात, हयातियाती तौर पर मुतालिक आफात, आसमानी आफात, बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर तकरीबन हर किस्म के आफात का शिकार है। आफात के अकसाम। पानी और आबो हवा से मुतालिक आफात, सैलाब, बादल फटना, गरम और सर्द लहर, बर्फ, हादसाती आफात जंगल में आग लगना, हादसाती आफात जंगल में आग लगना, बड़ी इमारतों का गिरना, त्योहार के आफात, बिजली के आफात और आग, कश्ती अलट जाना, गांव की आग, वबा, कीड़ों के हमले, मवेशियों की वबा, फूड पॉइजिंग, अच्छा तो ये तो बताओ कि आफत से किस किस किस्म के नुकसानात होते हैं? हाँ बताता हूँ नूर, लेकिन इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको उसकी कमजोरी को समझना होगा। अच्छा वसीम, तो आप एक काम करें कि आप सबसे पहले मुझे कमजोरी का मतलब समझाएं। हाँ हाँ नूर ठीक है, गौर से सुनो। आइए आसान जबान में समझ लें कि कमजोरी क्या है। फिजिकल वल्नरेबिलिटी। आम तौर पर तबाही की जड़ उस इलाके के अवामिल पर मुनहसिर होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई इलाका गैर मुस्तहकम पहाड़ियों, सैलाब ज्यादा नदियों वगैरह के करीब वाक़े है तो वहाँ आम इलाकों के मुकाबले में आफात के ज्यादा इम्कानात होंगे। फिजिकल वल्नरेबिलिटी में शामिल है आबी वसाइल तक रसाई, मवासिलात के जराए में रुकावट, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशनों, फायर ब्रिगेड, सड़कों, पुलों और किसी भी इमारत या किसी भी इलाके तक रसाई,
उसके अलावा रिहायशी और तिजारती इमारतों की तामीर में मुनासिब मंसूबा बंदी और अमल दर आमद ना होने की वजह से जलजले, सैलाब, लैंड स्लाइडिंग और दिगर आफात से बड़े नुकसान होते हैं। समाजी कमजोरी। किसी भी आफात या आफात की वजह से होने वाले नुकसान की सूरत में समाजी कमजोरी अहम किरदार अदा करती है। किसी आफात के दौरान होने वाले नुकसान का ज्यादातर इन्हिसार उस इलाके में मुआशरे के खानदानी ढांचे, फैसला साजी और तनाजात के हल की ताकत, कयादत की ताकत, शिरकत और आगाही पर होता है। कुछ समाजी अवामिल की वजह से भी आफात शदीद हो जाती है, जैसे सकाफत, रवायत, मजहब, मकामी उसूल, अकीदा और सियासी एहतिसाब वगैरह। इक्तिसादी कमजोरी। आफात से माशी नुकसान भी होता है, इसलिए इस बात का मुताला जरूरी है कि किसी भी सनात, कारखाने या कुदरती आफात के कयाम से कितना माशी नुकसान हो सकता है। जब कोई आफात आती है तो दर्ज झेल माशी नुकसान होते हैं, जैसे काबिली काश्त जमीन का नुकसान, आप पाशी के निजाम के नुकसान, माल और जायदाद का नुकसान, मवेशियों का नुकसान, मशीनों के नुकसान, पैदावार का नुकसान। माहौलियाती कमजोरी। कुदरती और माहौलियाती नुकसानात भी तबाही के वक्त होते हैं, जिनमें बुनियादी तौर पर शामिल है पौधों का नुकसान, जड़ी बूटियों का नुकसान, आबी वसाइल का नुकसान, मिट्टी का नुकसान, कुदरती मादनियात का नुकसान वगैरह। सलाहियत। डिजास्टर मैनेजमेंट में सलाहियत से मुराद वह वसाइल है जो किसी आफत के असरात को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें बुनियादी तौर पर इंसानी वसाइल, मशीनी और कुदरती वसाइल वगैरह शामिल है। अगरचे किसी भी आफत के असरात को रोकने में अहम किरदार अदा करती है। हिदायत, मंसूबा, हिकमत आमली, मवासिलात वगैरह अंजाम देते हैं। जलेबियां तो बहुत ही मजेदार है असीम। हाँ हाँ, हमारे गांव की जलेबियां तो पूरे जम्मू कश्मीर में मशहूर है नूर। हाँ, आप ठीक कहते हैं असीम। वाह गुलशाम चाचा, आपने तो अपनी दुकान में आग बुझाने वाले गैस भी लगवा दी है। हाँ हाँ वसीम, हमने किसी भी आफत के आने से पहले तैयारी कर रखी है। सरपंच जी के हुक्म पर ही दुकान में आफत से पहले की तैयारियां की गई है। आफत से पहले की तैयारी का क्या मतलब है? हाँ प्यारी बेटी, मैंने हल्का मजलिस में हिस्सा लिया था, जहां सरपंच जी ने बताया था कि डिजास्टर मैनेजमेंट के काम 3 मरहलों पर किया जाता है, आफत से पहले का काम, डिजास्टर का काम, आफत के बाद का काम। मैं आपको इसके बारे में तफसील से बताता हूँ। डिजास्टर मैनेजमेंट के कामों को 3 मरहलों में किया जाता है। आफत से पहले का काम, आफत की सूरत में काम, आफत के बाद का काम। आइए
इन अफाल को तफसील से समझते हैं। आफत से पहले पंचायती नुमाइंदों का काम। इसमें कोई शक नहीं है कि आफत को मुकम्मल तौर पर रोका नहीं जा सकता, लेकिन अच्छी तैयारी बड़ी हद तक तबाही को रोक सकती है। किसी भी आफत के असरात को रोकने के लिए पंचायत के नुमाइंदों को कुछ चीजों पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए, जैसे आफात से बचाव के आलात की जांच, तबाही से बचने के लिए इंतजामात, तबाही को रोकने के लिए मंसूबा बंदी करना, आबी जखायर की सफाई, ऊंचाइयों की शनाख्त, सड़क की तामीर, हिकमत आमली बनाए, तरबियत, आगाह करना, आफात के दौरान राहत फराहम करने में पंचायतों का किरदार, मुश्किल हालात में सब्र करना, अफवाहों को नजरअंदाज करना, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, तरबियत याफ्ता मकामी नौजवानों की मदद हासिल करना, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मकामी वसाइल का इस्तेमाल करना, लोगों को महफूज जगह पर ले जाना, ख्वातीन बच्चों बूढ़ों और कमजोर लोगों का खास ख्याल रखना, आफत के बाद पंचायतों का किरदार, तबाही गुजर जाने के बाद भी आम जिंदगी मसरूफ रहती है, आमतौर पर जानो माल का भारी नुकसान होता है, इसलिए आफत गुजर जाने के बाद भी ये काम जरूरी करें। मुतासिरा लोगों की फहरिस्त बनाएं, नुकसान का अंदाजा लगाएं, लाशों को ठिकाने लगाएं, पावर कम्युनिकेशन और ट्रैफिक सिस्टम को दोबारा शुरू करें, मुआवजे का इंतजाम करें, इमदादी सामान तकसीम करें, एक रिश्ता कायम करें, जरूरियात की रिपोर्ट बनाएं, मवासिलाती निजाम को दोबारा शुरू करें। ये बिल्कुल सच है कि आफत गुजर जाने के बाद भी जिंदगी दरहम बरहम रहती है, इसलिए आफत गुजर जाने के बाद भी डिजास्टर मैनेजमेंट का काम जारी रहना चाहिए। हाँ नूर, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे नूर वसीम, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सरपंच चाचा। खुश रहो बेटा, खुश रहो, दोनों खुश रहो। वालेकुम अस्सलाम नूर वसीम, आप दोनों खुश रहें। सरपंच चाचा, नूर और मैं अब तो स्टेपियो खेलने जा रहे हैं। सरपंच चाचा, पानी की टंकी पर कंडक्टर लाइटिंग लगा रहे हैं, आपने देखा क्या? हाँ बेटा, ये देही डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान की जरूरियात में से एक जरूरत है। सरपंच चाचा, मास्टर जी ने हमें डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में समझाया था, लेकिन सरपंच चाचा, अब ये देही डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है? हाँ वसीम बेटा, बताता हूँ। आफती इंतजाम यानी डिजास्टर मैनेजमेंट पंचायती राज इदारों के कामों का एक अहम हिस्सा है, इसलिए पंचायती नुमाइंदों को
कुदरती आफात और इंसान की पैदा करदा आफात के पेश नजर बहुत से काम करने चाहिए। सरपंच चाचा, किस तरह का काम? हाँ नूर बेटा, बताता हूँ। कई किस्म के काम हैं, जैसे किसी भी मुमकिन आफत से निपटने के लिए अपने इलाके में डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी बनाना। मिसाल के तौर पर जलजले की खतरे के पेशी नजर जलजला जदा इलाके में पंचायती जलजला रिलीफ कमेटियां बनवा सकती है। लेकिन सरपंच चाचा, मकामी सतह पर डिजास्टर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सिर्फ पंचायती नुमाइंदों पर ही क्यों आयद है? उसके पीछे ये मंतिक तो नहीं है कि मकामी हुक्मरानों को उनके मकाम के बारे में अच्छी मालूमात हो? हाँ वसीम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ नूर, पंचायती नुमाइंदों को अपने इलाके की ज्योग्राफियाई, समाजी और सकाफती हालात का बखूबी इल्म होता है, इसलिए किसी भी किस्म के आफत के वक्त सबसे पहले उन्हें मदद, तआवुन और मशवरा के लिए याद किया जाता है। मैं आपको इसके बारे में तफसील से बताता हूँ, गौर से सुनो। देही डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान की जरूरत। मकामी नुमाइंदों को अपने इलाके की ज्योग्राफियाई, समाजी और सकाफती हालात का बहुत अच्छा इल्म होता है, इसलिए किसी भी किस्म के आफात के वक्त सबसे पहले उन्हें मदद, तआवुन और मशवरा के लिए याद किया जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट पंचायती राज इदारों के कामों का अहम हिस्सा है, लिहाजा पंचायती नुमाइंदों को कुदरती आफात और इंसानी साख्त आफात के बारे में आगाह होना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के मुताबिक मरकजी, रियासतें और जिली सतह पर मुख्तलिफ तंजीमें आफात से बचाव का काम करती है। पंचायतें किसी भी किस्म के आफात के वक्त उन इदारों से राबता करेगी। कई बार अपने इलाके के हालात को देखते हुए पंचायतें गांव के ही नौजवानों को मुमकिन आफात से निपटने की तरबियत दिलवाती है। इसके अलावा किसी भी मुमकिन आफात से निपटने के लिए पंचायतें अपने इलाके में डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी तश्कील दे सकती है। मिसाल के तौर पर सैलाब ज़दा इलाके में सैलाब के खतरे के पेश नज़र पंचायतें सैलाब से मुतालिक इमदादी पनाह गाहें बना सकती है। सरपंच चाचा, अब हम आपकी बात समझ गए। जी सरपंच चाचा, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल है कि डिजास्टर मैनेजमेंट का काम कैसे होता है और क्या पंचायती राज महकमा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत इस काम में किसी किस्म की मदद मिलती है? वाह नूर, वसीम, आप दोनों ने तो बहुत अच्छा सवाल किया है। तो देखो बच्चों, डिजास्टर मैनेजमेंट के चार मरहले होते हैं। हम उन मराहिल को तरबियत, तैयारी, रिस्पांस और रिकवरी के नाम से जानते हैं। मैं आपको इसके बारे में तफसील से बताता हूँ। देही डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में मुयस्सर इमदाद, तेज रफ्तार तिब्बी इलाज और राहत और बचाव की कार्रवाइयाँ शामिल है। हिंदुस्तान में बहुत से इलाके कुदरती आफात के लिए इंतहाई खतरनाक समझे जाते हैं। मुल्क की 70% जेरी काश्त जमीनी खुश्क साली के खतरे से दो चार है। एक ही वक्त में कुल जमीन का 60% जलजलों का शिकार है, 12% सैलाब का शिकार है, जबकि 8% को तूफान का खतरा है। ऐसी आफात से मुआशरे के काम काज में शदीद खलल पड़ता है, इंसानी जिंदगी मुतासिर होती है और मईशत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचता है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम उनका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएं। इस बात को समझते हुए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत एक गांव के डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है।
जिसमें पंचायत सतह पर आफात से निपटने के लिए मजबूत मवासिलात, मुयस्सर डाटाबेस, दस्तावेजात और मशक्कें तैयार की गई है। आइए आपको इसके बारे में तफसील से बताते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के चार मराहिल, तरबियत, तैयारी, रिस्पॉन्स, रिकवरी। हम इन मराहिल को डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल भी कह सकते हैं। आइए इसको तफसील से समझते हैं। तरबियत। पंचायती नुमाइंदों को अपने इलाके के नौजवानों को आफात से निपटने के लिए तरबियत देनी चाहिए। लोगों को इस बारे में आगाही होनी चाहिए कि आफात के वक्त इमदादी कार्रवाइयां कैसे की जा सकती है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वगैरह। लोगों को ये भी बताएं कि आफात के बाद मुतासिर होने वाली जिंदगी की सूरत हाल को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। आम लोगों को आफात के कंट्रोल और रोकथाम के बारे में आगाह करें। डिजास्टर मैनेजमेंट सेमिनार और कॉन्फ्रेंसों का एहतमाम करें। तैयारी। आफत की वजह से जानो माल का कोई नुकसान ना हो, ये जरूरी है कि पंचायत के इलाके में आफात से बचाव के लिए तैयारी की जाए। सड़कों पर तजावीजात की इजाजत ना दें, गैर कानूनी तामीरात को रोकें, वक्तन फवक्तन राहत और बचाव के कामों से मुताल्लिक फर्जी मशकें करें। हल्का मजलिस में आफात से मुताल्लिक मीटिंगों का एहतमाम करें। तबाही से मुताल्लिक समझने में आसान लुगत बनाएं। हंगामी पनाहगाह बनाएं, हंगामी वार्निंग के तरीके तैयार करें और उन पर अमल करें। किसी आफत के दौरान मुख्तलिफ किस्म के सामान को मुनज्जम करें। शहरी आबादी में से तरबियत याफ्ता रजाकारों की तंजीमें तैयार करें। घर के आसपास के सूखे दरख्तों को पहले ही काट दें ताकि आपको मुस्तकबिल में कोई परेशानी ना हो। अगर खिड़की के दरवाजे पर शीशा है तो उसकी हिफाजत के लिए बाहर से लकड़ी का तख्ता लगाएं। घर पर बैटरी के सेल चेक करें। लालटेन में मिट्टी का तेल भरें और इतना जखीरा रखें कि अगर 2-3 दिन तक बिजली जाती रहे तो काम आ सके। रिस्पॉन्स। जैसे ही आफत आती है रिस्पॉन्स वर्क यानी रेस्क्यू का काम शुरू करें। बच्चों, औरतों और बूढ़ों को तरजीह दें। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने को कहें। लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को जरूरी मालूमात दें। गिरे हुए बिजली की तार से बहुत महतात रहें। अगर बिजली की तार पानी में गिर जाए तो उस पानी से राबता ना करें। रात को लोगों तक पैगाम पहुंचाने के लिए लालटेन, टॉर्च, फ्लैश लाइट वगैरह का इस्तेमाल करें। खिड़कियां और दरवाजे हवा के मुखालिफ सिमत में खोलें। रिकवरी। जिन इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई में रुकावट है उन इलाकों में सप्लाई दोबारा शुरू करें। जख्मियों और मरने वालों की फहरिस्त बनाएं। सरकारी इमलाक को पहुंचने वाले नुकसान का अंदाजा लगाएं। मकामी रेडियो और न्यूज चैनल से खबरों को सुने। चेक करें कि अथॉरिटी सहूलियात को नुकसान पहुंचा है और हकाम को उसकी इत्तला दें।
किसी घर या इमारत को नुकसान पहुंचने की सूरत में अपनी मकामी काउंसिल से राब्ता करें, नुकसान को रिकॉर्ड करें और तस्वीर लें। मलबे को महफूज तरीके से हटाने के तरीके के बारे में मशवरा के लिए अपने काउंसिल से राब्ता करें। डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के रुकन, बीडीओ और उनके नुमाइंदे, सरकारी इंजीनियर, पंचायती राज के अराकीन, गांव का मुखिया, ख्वातीन का हलका, एनसीसी या एनएसएस, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्कूल कमेटी का रुकन, गांव का रुकन, पसमानदा तबके की नुमाइंदगी, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के अराकीन वगैरह। गौर से सुनो, आप जानते हैं बच्चे, गांव में डिजास्टर मैनेजमेंट का काम के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। किस काम के लिए कमेटी बनाई गई है और ये कमेटी क्या काम करती है सरपंच चाचा? इस कमेटी के काम ब्लॉक या जिला इंतजामिया और दिगर मुतालिक एजेंसियों के साथ राब्ता कायम करना है बेटा। डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में रुकावटों को दूर करना और मुमकिन आफात से कबल तैयारियों का जायजा लेना है, समझे बेटे? इसके बारे में मैं आप दोनों को बताता हूँ। डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के काम, इजलास की सदारत करने की जिम्मेदारी प्रधान की होगी। टास्क फोर्स के सभी अराकीन को बराए रास्त सरबराह के जरिए मुकर्रर किया जाए। उन कामों की जिम्मेदारी डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की होगी। देही डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मंसूबे बनाएं और उन मंसूबों को नाफिज करें। कमेटी के सभी अकाउंट्स को मेंटेन करना, ब्लॉक या जिली इंतजामिया और दिगर मुतालिक एजेंसियों से राब्ता बरकरार रखना, टीम के मुख्तलिफ अरकान को उनकी जिम्मेदारियां निभाने में मदद करना, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में रुकावटों का खात्मा, किसी मुमकिन आफात से पहले तैयारियों का जायजा लेना, गांव वालों को सिखाना कि सैलाब के पानी से कैसे बचना है, महफूज मकामात की निशानदेही करना, लोगों को आफात से आगाह करना, तबाही से बचने की हिकमत अमली बनाना। आज सरपंच चाचा ने हमें देही डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में कितना कुछ बताया ना वसीम? हाँ, और अगर नहीं तो क्या, मैं डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में इतनी तफसील से नहीं जानता था नूर। ओ देखो नूर, आशा आपा आ रही है। अस्सलामुअलैकुम आशा आपा। वालेकुम अस्सलाम। वाह क्या बात है, मैं आप ही के घर की तरफ जा रही थी वसीम, और देखो आप दोनों से मुलाकात यहीं हो गई। मेरे घर की तरफ से क्यों आशा आपा? सरपंच जी की इजाजत से गांव के सभी अहम मुकामात पर इमरजेंसी किट रखी जा रही हैं। इसके लिए मैं ये किट आंगनवाड़ी, सरकारी स्कूल और पंचायत घरों में रख रही हूँ। आंगनवाड़ी का रास्ता आपके घर की तरफ से जाता है तो बस वहाँ से जा रही थी। आशा आपा, हम डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में सब कुछ समझ गए, सरपंच चाचा ने भी हमें बहुत कुछ बताया है, लेकिन आशा आपा अब ये डिजास्टर इमरजेंसी किट क्या है? जी आपा, हमें भी इसके बारे में बताएं। हाँ हाँ, मैं बताती हूँ, गौर से सुनो। डिजास्टर इमरजेंसी किट हर बुरे हालात और बहरान में मददगार साबित हो सकती है। जब हम उसकी उम्मीद कर समझते हैं तो जलजले, समंदरी तूफान, बवंडर, जंगल की आग, फ्लैश बाढ़ आ सकते हैं। मैं इसके बारे में तफसीली मालूमात देती हूँ।
पंचायती नुमाइंदों को चाहिए कि वो अपने इलाके में रहने वाले लोगों को डिजास्टर इमरजेंसी के बारे में आगाह करें। डिजास्टर इमरजेंसी एक्ट हर बुरे हालात और बुहरान में मददगार साबित हो सकती है। जब हम उसकी उम्मीद कम करते हैं, जलजला, तूफान, बवंडर, जंगल की आग, फ्रेश बाढ़ आ सकते हैं। डिजास्टर एक्ट में उन चीजों का होना जरूरी है, बोतल बंद पीने का पानी, डब्बे वाला खाना, टॉर्च, चार्जर के साथ सेलफोन, पोर्टेबल रेडियो, आलात के लिए एक्स्ट्रा बैटरी, नोटबुक और कलम, जाती हिफ्जाने सेहत से मुतालिक सामान, नकद रुपए, इर्द गिर्द के इलाकों का नक्शा, जाती दस्तावेजात की कॉपी, पता का सबूत, घर पर काम का लेस, इंश्योरेंस पॉलिसी, शनाख्त का सबूत। डिजास्टर मैनेजमेंट इमरजेंसी किट से मुझे याद आया कि मास्टर जी ने फर्स्ट एड किट के बारे में भी तो बताया था। तो क्या नूर, आफत के वक्त एक फर्स्ट एड किट भी काम आ सकती है? हाँ, क्यों नहीं, तबाही से बचने के लिए हर एक के पास फर्स्ट एड किट होना ही चाहिए। हाँ नूर, मैं तुम्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद की किट के बारे में भी बताता हूँ। हाँ, तुम दोनों बात करो, मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए मैं जा रही हूँ। फिर मिलेंगे आशा आपा। आफात जिंदगी में किसी भी वक्त और कहीं भी आ सकती है, इसलिए आपको किसी भी हादसे के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि आप हंगामी सूरत हाल में पुरसुकून रहकर जख्मी शख्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे सके। इब्तदाई तिब्बी इमदाद से मुराद वह तिब्बी इमदाद है जो हादसे में जख्मी होने वाले को डॉक्टर के आने से पहले दी जाती है, उसे अंग्रेजी में फर्स्ट एड कहते हैं। इब्तदाई तिब्बी इमदाद का मकसद। इब्तदाई तिब्बी इमदाद का मकसद ये है कि हादसा पेश आते ही हादसे के शिकार शख्स को जरूरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। इब्तदाई तिब्बी इमदाद किसी शख्स के जान बचाने में मददगार है। डॉक्टर की गैर मौजूदगी में इब्तदाई तिब्बी इमदाद की मदद से आर्जी इमदादी दी जा सकती है। हादसे से मुतासिर शख्स को बर वक्त इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के लिए फर्स्ट एड एक्ट यानी फर्स्ट एड बॉक्स का होना जरूरी है। फर्स्ट एड बॉक्स में इमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल की जाने वाली दवाई होती है। ये किट जख्मी शख्स की जान बचा सकती है और हंगामी सूरत हाल में मदद मिलने से पहले इसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे सकती है। फर्स्ट एड एक्ट में दर्ज ज़ेल अशिया होनी चाहिए। तिब्बी पट्टियां, जख्मों को ढांपने के लिए पट्टियां, एंटी हिस्टामाइन क्रीम, सनस्क्रीन, थर्मामीटर, दवाई की खुसूसी दस्तावेजात की कॉपी, जाती दवाई, बर्न कियर,
और जरूरियात के मुताबिक दिगर दवाई। वाह, फर्स्ट एड किट तो हंगामी बुहरान के वक्त बहुत मददगार है नूर। मैं अपने घर पर एक फर्स्ट एड किट भी रखूंगा। हाँ, और मैं डिजास्टर मैनेजमेंट से मुताल्लिक सभी बातों का ख्याल रखूंगी। हाँ, सिर्फ ख्यालात ही नहीं बल्कि हम ये सभी मालूमात लोगों तक पहुँचाएंगे नूर। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल सही कहा वसीम। मुसीबतों से है नहीं डरना, राहत और बचाव के इंतजाम है करना। मदद के लिए आगे बढ़ेंगे, मुसीबत से नहीं घबराएंगे। जय हिंद, जय भारत।